हेलो फ्रेंड्स, एमकेजेसी स्मार्ट गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर M.K.Jain। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ सक्सेस। जब मैं बोल रहा हूँ गेटवे ऑफ सक्सेस, तो आप ये मान सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कितनी होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कैरियर के ऑप्शंस हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस सब्जेक्ट का वहाँ इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो अगर आप अपनी टेंथ क्लास के बाद में आप साइंस सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। और ये जो मैथमेटिक्स है, ये आप किसी भी तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दीजिए, आप पूरी लाइफ के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाना हो, इनफैक्ट आप साइंस के विद्यार्थी और आपको कॉमर्स के थ्रू कहीं जाना हो, तो भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मैथमेटिक्स लेना और इंजीनियर बनना, यहां तक ये सब्जेक्ट सीमित नहीं है। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे किसी फैक्ट्री में जाइए, चाहे किसी रिसर्च सेंटर में जाइए, चाहे इसरो में जाइए, चाहे DRDO में जाइए, चाहे आप किसी आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाइए, चाहे आप किसी भी फील्ड, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, रोबोटिक्स, मतलब आप कहीं भी जाइए, इस सब्जेक्ट का अपना रोल है। तो जब हम इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्लास टेंथ के बाद जब आपको सब्जेक्ट लेना होता है। तो कई बच्चों के दिमाग में दो तीन तरह के कन्फ्यूज़न होते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, मैथ्स में मेरे मार्क्स कम आए थे, मैं मैथ्स में आगे चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा, क्या मैं अपनी 11th एंड 12th क्लास में मैथ्स में कहीं रह नहीं जाऊं या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो पहले ये भ्रम की स्थिति इससे बाहर आई है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर इस कोटेशन को मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में क्लब कर दूं, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। आप किसी भी लेवल पे थे, आपने कहां से अपनी यात्रा की शुरुआत की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसका एंड कैसे किया। तो टेंथ क्लास के बाद में ये 11th और 12th आपके स्कूल एजुकेशन की लास्ट दो क्लासेस है। यहां अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस की आपकी आदत है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपका ड्रीम, अगर आपका हॉबी, अगर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ है, या फिर आप किसी भी फील्ड में ऐसा जहां पर मैथमेटिक्स का अपना रोल है, चाहे आप रिसर्च में जाएंगे, चाहे PWD में आप जाइए, चाहे PhD में जाइए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में जाइए, किसी फैक्ट्री में जाइए, कहीं वेयर भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है, हार्डवेयर में आपको काम करना है, पायलट आपको बनना है, नेवी में आपको जाना है, एयरफोर्स में आपको जाना है, तो ये सब्जेक्ट NDA के थ्रू आपको जाना है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरी पहली बात तो ये सब्जेक्ट के कितनी इम्पॉर्टेंस है, इसके लिए मैंने एक ही शब्द कह दिया है, गेटवे ऑफ सक्सेस। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस है, नंबर वन। तो ये भ्रम आप हटा दीजिए कि मैथमेटिक्स टफ होती है। अगर आप प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट अपने आप से कर लें, तो मेरा आपसे 200% कमिटमेंट है कि आप मैथ्स में कभी आपको असफलता मिल ही नहीं सकती है।
फिर भी मिलती है असफलता, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को असफलता मिलती है कितने लोगों को सफलता मिलती है, पर सच बात यह है कि जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो सफलता ही मिलती है, असफलता नहीं मिलती है। अब मैथ्स के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है, ये मैं आपसे जो बात कर रहा था, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेटिंग टाइम कम है। आप फोर एंड हाफ ईयर्स में आप रेडी हो जाते हैं मार्केट में अपनी सेवाएं देने के लिए। और अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए हैं तो मान के चलिए आपका थर्ड ईयर सेवन्थ सेमेस्टर, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में, एट सेमेस्टर आते आते फोर्थ ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। हिंदुस्तान की जो मैं आगे की स्थिति देख रहा हूँ, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है और इस मिडिल क्लास की जो रिक्वायरमेंट होते हैं, सपने होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब मिडिल से भी ऊपर ही जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, अच्छी लीडरशिप है हमारे पास में जो भी डेवलप हुई है, तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंडिया में लगाने वाली है और लगा रही है कोलोब्रेशन के साथ में। तो मेरा यहाँ से और कोई मतलब नहीं है, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए। पहले ऐसा होता था कि आपको फॉरेन जाके काम करना पड़ता था, बहुत, अगर 100 इंजीनियर है तो 10 इंजीनियर फॉरेन जा रहे हैं, बाकी 90 इंडिया में है, इंडिया में उनके लिए काम कम है। बट कीप इन माइंड अब स्थितियाँ बदल रही है ग्लोबली, हमने अपने आप को सिद्ध किया है कि हमारे लोग स्किल वाले हैं, हमारे लोग नॉलेज वाले हैं, हमारे लोग डिग्री उनके पास में, हमारे लोग हार्ड वर्किंग है, हमारे लोग ज़्यादा काम, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अंदर वर्किंग सिचुएशन इंडिया जैसी नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। 6 आवर्स की वर्किंग है, 5 डेज का वर्क है, हमारे यहाँ अलग है, 24/7 का काम है, 6 डेज क्या 7 डेज ही 24/7 चलता है। तो उन कंपनीज को यहाँ पर ये लगता है कि अगर हमें मैन्युफैक्चर यूनिट यहाँ डाल दी इंडिया में तो टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी होगी वो इंडियन के अकॉर्डिंग होगी और वहाँ हम ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, बहुत सारे फील्ड हैं। अब कोई बोलता है कंप्यूटर, ये तो फील्ड है, एक बार आपको IITJEE के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना आप कंपलसरी है, वो है IITJEE मेंस एंड JEE एडवांस। उन एग्ज़ाम के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, IITJEE क्या होता है, JEE मेंस क्या होता है, JEE एडवांस क्या होता है, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर सकते हैं वो चर्चा हम कर सकते हैं अभी फील्ड में जाने की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी रुचि है तो मैथमेटिक्स ज़रूर लीजिए, बस प्रैक्टिस करते जाइए एंड वन से डे कम आपको लगेगा आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है। ओके, आप इंडिया में तो काम करेंगे, वर्ल्ड वाइड आप जा सकते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब आपको मिलते हैं और बहुत इंटरेस्ट वाले और बहुत आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन देने वाले जॉब आपको मिल सकते हैं, तो अपना काम भी आप चालू कर सकते हैं। तो देखिए अब आप किस लेवल पर हैं, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छी आगे इसकी प्रैक्टिस है और बहुत अच्छे जॉब ओरिएंटेड है और बहुत अच्छा बिजनेस भी, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं तो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देंगे तो वहाँ भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स काम आएगी। काम नहीं भी आती है तो मैथमेटिक्स आपके दिमाग को एनर्जाइज करेगी जिससे आप बेटर तरीके से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो एज ए काउंसलिंग के लिए पर्सनल हमसे भी मिल सकते हैं, राय भी ले सकते हैं, फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं, सारी डिटेल हमारे हर वीडियो के नीचे हम डिटेल देते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। फिर
एमकेजेसी स्मार्ट गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।